हेलो एवरीवन, दिस इज शोएब आफ्ताब। आज के इस वीडियो में काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन टाइप है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स थे पिछले कुछ वीडियोस में, इनफैक्ट काफ़ी पहले से ही ऐसा चलता आ रहा है। लोग मेरे को कह रहे हैं कि यार आप ब्रांड प्रमोशंस क्यों कर रहे हो, ठीक है, या फिर आपके हर वीडियो में ऑलमोस्ट प्रमोशंस क्यों है। तो काफ़ी सारे ऐसे क्वेरीज थे, काफ़ी सारे ऐसे इशूज थे, तो मैंने सोचा कि यार क्यों ना एक्सप्लेनेशन दे दूँ। मेरे जो ऑडियंस है वो भी डिजर्व करती है एक एक्सप्लेनेशन का। और कहीं ना कहीं जैसे पिछले वीडियो में भी काफ़ी सारे ऐसे कमेंट्स थे, कुछ ऐसे थे जो मैंने हटा भी दिए, और काइंड ऑफ मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाया जाए। तो देखो, जहाँ तक मेरे को समझ आया, दो मेन इश्यूज है इसमें। पहला कि ज़्यादातर लोग ये सोच रहे हैं कि यार हर वीडियो ही क्यों प्रमोटेड है, मतलब ऑलमोस्ट हर वीडियो में प्रमोशंस क्यों है। पहला तो एक ये इशू है, ठीक है, ये काफ़ी सारे कमेंट्स इस टाइप के होते हैं। और काफ़ी सारे कमेंट्स ये कहते हैं कि यार चलो ठीक है, अगर प्रमोशन है भी तो, बट ये जो वीडियो है ये ऐसा लग रहा है कि प्रमोशन के लिए ही बनाया गया है। मतलब ऐसा है कि ये वीडियो प्रमोशन मिला तब जाके वीडियो बना, ना कि वीडियो बना फिर प्रमोशन है उस पर, ठीक है। तो आज मैं आपके सारे जो भी क्वेरीज थे, इशूज थे, सब कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ कि क्या लॉजिक रहता है ब्रांड प्रमोशंस लेने का, ब्रांड प्रमोशंस करने का, और किस तरीके से चीज़ें वर्क करती है। तो आते हैं सबसे पहले पॉइंट पर कि यार ऑलमोस्ट सारे वीडियोज पर प्रमोशन क्यों होते हैं। जैसे मैं लेट्स से ऑन एन एवरेज महीने में अराउंड 5 से 6 या कभी कभी 7 वीडियो तक बना लेता हूँ, ठीक है। तो इन वीडियोज़ में ऑलमोस्ट सारे वीडियोज़ पे एक आध एक्सेप्शन छोड़ के मोस्टली प्रमोशंस रहते हैं, मतलब किसी ना किसी ब्रांड का रहता है। तो इसका एक रीज़न ये है कि यार अगर आप मैं अभी आपको दिखाऊंगा, जैसे मेरे मेलिंग लिस्ट में देखोगे तो मेरे पास इतने सारे प्रमोशन आते हैं, मतलब इतने सारे ब्रांड्स हैं और सारे जेन्युइन लेजिटिमेट ब्रांड्स हैं, एडटेक कंपनीज है, जो काफ़ी हद तक जो प्रॉब्लम्स फेस करे स्टूडेंट्स उन चीज़ों को सॉल्व करी। अलग अलग कंपनीज के अलग अलग प्रोफाइल है, कोई लेट से कॉस्ट वाला इशू सॉल्व कर रहा है, कोई लेट से क्वालिटी वाला इशू सॉल्व कर रहा है, कोई डाउट क्लियरिंग प्लेटफॉर्म है, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सिर्फ क्वेश्चंस पे बेस्ड है, ठीक है, जो काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस बैंक्स प्रोवाइड करता है, काफ़ी अच्छे टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करता है, कुछ ऐसे बुक्स है PYQ बेस्ड बुक्स। तो अलग अलग का अलग अलग प्रोफाइल होता है और उनके बहुत सारे मैसेजेस आते हैं और काफ़ी सारे जेन्युइनली अच्छे हैं। जैसे मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, जैसे अगर मैं यहाँ पे अगर मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट में प्रोमो सर्च करूँ, मैं अपने जनरली प्रमोशंस का या ब्रांड प्रमोशंस का प्रोमो करके सेव करता हूँ, तो आप देखोगे कि कितने सारे प्रमोशंस के मेरे पास कॉन्टैक्ट्स हैं। और ये वो है जिनको मैंने ईमेल जिनका मैंने ईमेल पढ़ा, मेरे को लगा कि ये ब्रांड सूटेबल है, जेन्युइन है, उनको मैंने रिप्लाई बैक किया कि आप मेरे को इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करो। ये वो लोग हैं जो अगर मैं ईमेल में दिखाऊँ तो वो खत्म नहीं होंगे, इतने सारे मेरे पास जो है वो आ रहे हैं, ठीक है। तो काइंड ऑफ यू नो, अगर लेट से मैं महीने में सिर्फ 6 या 7 वीडियोज़, आपको ही पता है मेरे चैनल पर ज़्यादा वीडियोज़ नहीं आती, मैं अराउंड 4-5 दिन में ही एक वीडियो डाल पाता हूँ। तो अगर मैं 6-7 वीडियो डालता हूँ तो उसमें काइंड ऑफ इनएविटेबल सा ही, अगर मेरे को अच्छी अच्छी चीज़ें आपके वो बताने कि हाँ मार्केट में ये चीज़ें आ रखी है, तो वो इनएविटेबल ही है कि ऑलमोस्ट हर वीडियो में एक प्रमोशन आ जाएगा। नेक्स्ट हम आते हैं कि यार कहीं ऐसा तो नहीं कि आप प्रमोशन आपको मिल रहा है तो आप वीडियो बना रहे हो, तो ऐसा यार बिल्कुल भी नहीं है। इसका क्या लॉजिक है, देखो ब्रांड की तरफ से इंस्ट्रक्शन होते हैं स्पेसिफिकली कि आप हमारे प्रमोशन को एकदम जेन्युइन बनाओ, एकदम इंटीग्रेटेड बनाओ, ठीक है। वीडियो का नाम ही जो चलता है, अगर आप में से किसी को पता हो तो उसको कहते हैं इंटीग्रेटेड वीडियो, कि यार आप सीमलेसली, जैसे अगर आप PYQs के इंपॉर्टेंस के बारे में बात कर रहे हो तो आप ब्रांड भी जो लाओगे वो PYQ बेस्ड कोई बुक होगी, ठीक है, या फिर अगर आप टेस्ट सीरीज की बात कर रहे हो तो जो आप ब्रांड के बारे में बताओगे वो टेस्ट सीरीज बेस्ड होगी, ठीक है, या फिर क्यूबैंक के बारे में डिस्कस कर रहे हो तो क्यूबैंक बेस्ड जो भी ऐप होगा या फिर टेस्ट सीरीज होगा, जो भी होगा, ठीक, बुक होगा, कुछ भी हो सकता है, लेट्स से कोर्सेज डिस्कस कर रहे हैं तो ऑनलाइन कोर्स हो गया, तो वो ब्रांड की तरफ से स्पेसिफिकली इंस्ट्रक्शन होते हैं कि आप ऐसे ही करो। तो मान लो मैं कभी वीडियो बना रहा हूँ और मेरा वीडियो लेट्स से फिजिक्स की स्ट्रेटजी को लेकर के, फिजिक्स की स्ट्रेटजी में अगर कोई ऐसा ब्रांड है जो फिजिक्स पे काफी अच्छा काम कर रहा है तो मेरे को लगता है कि हाँ यार ये पहले से मेरे पास मेल आ रखे होते हैं, पहले से ही व्हाट्सएप पे मैसेज आ रखे होते हैं, तो मैं सोचता हूँ कि यार इसका इस पे कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से होती है, ना कि उल्टा होता है कि भाई नहीं ब्रांड पहले आया फिर मैं सोच रहा हूँ कि हाँ इस ब्रांड के लिए ये वीडियो बना सकता हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहले हमेशा वीडियो के बारे में सोचता हूँ, और जनरली अगर आप देखोगे तो कम वीडियोज़ का यही फायदा होता है कि यार मैं 4-5 वीडियो बना रहा हूं और मेरे पास इतने सारे ब्रांड्स हैं तो मेरे पास ऑप्शन मिल जाता है कि हाँ यार ये जो वीडियो ये काफी सूटेड है इस ब्रांड के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं कि रीजंस क्या है, करने का जरूरत ही क्या, मतलब करो ही मत, छोड़ दो ये सब, आपके वीडियो तो वैसे ही बन सकता है। तो इसका मैं लॉजिक बताता हूं, वीडियो का प्रोडक्शन जो कॉस्ट है वो अब पहले जैसा नहीं रहा। पहले मैं क्या करता था, सिंपल अपने फोन पे शूट करता था, iMovie पे डालता था, थोड़े बहुत कट्स लगा के डाल देता था, ठीक है। बट आपको भी पता है अभी जैसे जैसे टाइम बढ़ा है थंबनेल्स को अपग्रेड करने की रिक्वायरमेंट आई है, तो थंबनेल के लिए मैंने एक बंदा पकड़ रखा है, ठीक है, फ्रीलांस है, बट थंबनेल वाले का अलग पे जाता है, एडिटर को अलग पे जाता है। अभी मेरे पास उतना टाइम नहीं है, थर्ड ईयर MBBS में मैं आ चुका हूँ, फर्स्ट ईयर में काफी टाइम था, सेकंड ईयर में भी टाइम निकल जाता, बट थर्ड ईयर में पोस्टिंग्स वगैरह होती है तो अब इतना टाइम नहीं कि मैं वीडियो को भी ढंग से एक एक छोटा छोटा पार्ट एडिट करूँ, तो एडिटर के पैसे अलग जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से काफी चीजें, जैसे कभी कभी आपने देखा होगा मेरे जो पीछे जो स्क्रीन है, ठीक है, स्क्रीन पे PPT आती है, वो PPT बनाने के लिए भी एक बंदा है, तो वो PPT वाला भी जो है उसके भी पैसे जा रहे हैं। तो काइंड ऑफ इस तरीके से सारे जो है कॉस्ट काफी हाई है, प्रोडक्शन का कॉस्ट काफी हाई है। इसके अलावा और भी छोटी छोटी चीजें जो पता नहीं लगता, जैसे मैंने अभी जैसे माइक लिया, ठीक है, माइक के अलावा कैमरे पे मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ कभी लेट से, या फिर मेरे पीछे जो स्क्रीन लगा हुआ है, ठीक है, वो भी मैंने काइंड ऑफ खरीदा ही है। तो ये सब चीजें अच्छी, अगर वीडियो क्वालिटी अगर आप चाहते हो और अच्छी रिसर्च चाहते हो, क्योंकि जो है जैसे ही मैंने बोला पीपीटी बनती है, तो पीपीटी में भी वो बंदा भी रिसर्च करता है, मैं भी अपनी चीजें उस पर बताता हूँ, वो बंदा भी अपने इनपुट देता है, तो कुल मिला के फाइनल निकलता है एकदम परफेक्ट चीज जो आपके लिए काफी सूटेड है। तो यार एट द एंड में बस ये कहूंगा
कि यहाँ पे आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा। अगर लेट से मैं कोई 2-3 मिनट के आसपास का ब्रांड पार्ट है, लेट से अगर कोई 12 मिनट की वीडियो, उसमें 2 मिनट का पार्ट मैंने ब्रांड के लिए बोल दिया या फिर उनके फीचर्स एक्सप्लेन कर दिए, तो यहाँ पे मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि यार आपको ये चीज़ लेनी पड़ेगी। मैंने वो चीज़ जेन्युइनली रिव्यू कर रखी है, मेरे को जो चीज़ लगी उसमें मैंने आपको वो चीज़ें बता दिया, ठीक है। उसके जो अच्छे फीचर्स हैं मैंने आपको बता दिए, बाकी अब आप अभी उस चीज़ को चेकआउट करो, अगर आपको वो चीज़ ठीक लगती है तो आप वो चीज़ ले सकते हो, नहीं लेना कोई बात नहीं यार मत लो, ठीक है। काफ़ी लोग उस पार्ट को, ब्रांड वाले पार्ट को स्किप कर देते, वो भी ठीक है यार, उनको वो चीज़ नहीं देखनी है, वो पार्ट वो जेन्युइनली स्किप करके रेस्ट वीडियो देख सकते हैं। रेस्ट एश्योर्ड मैं आपको इतना बता दूं, ऐसा कभी नहीं होगा कि मैं सिर्फ एक ब्रांड के लिए ही एक वीडियो बना रहा हूँ। जेन्युइनली मैं वीडियोज़ पहले से डिसाइडेड रहती है, उसमें मैं सोचता हूँ कि हाँ यार इस पर ये चीज़ सही बैठ रहा है और वो चीज़ मैं इंटीग्रेट कर देता हूँ। उनकी तरफ से भी इंस्ट्रक्शन होते हैं कि ऐसे वीडियो में ही डालो जहाँ पर वो चीज़ सही बैठे, ठीक है। तो यार एट दी एंड बस मैं ये कहूँगा, आज का जो वीडियो है वो स्पॉन्सर्ड है भाई, मजाक कर रहा था, आज कोई स्पॉन्सर नहीं है ये वीडियो में। तो यार होपफुली दैट वॉज इट फॉर टुडे, मिलते हैं अगले वीडियो में, ऐसे ही प्रोडक्टिव टिप्स और ट्रिक्स के साथ मैं वीडियोस बनाता रहूँगा आपके लिए। और कोर्स रिव्यू सीरीज अभी चल रहा है, जैसा एक एपिसोड में डाला था, और अगला एपिसोड भी आने वाला है PW पे, तो स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।